एक जाबाज कश्मीरी लड़की की कहानी जो खूंखार आतंकी से भी नहीं डरी, जो AK-47 थाम कर आतंकी के सामने डटी रही। रुखसाना, जिसकी हिम्मत के पीएम मोदी भी मुरीद हुए थे। 27 सितंबर 2009 की रात सभी खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में तब 20 साल की रुखसाना कौसर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हाथ में बड़ी बड़ी गन लिए तीन शख्स अचानक से आधमके अंदर घुसे और एक रात रुकने की पनाह मांगी। रुखसाना और उसके परिवार को ये समझते देर नहीं लगी कि ये लोग कौन हैं। रुखसाना के पिता ने आतंकियों को घर में एक रात गुजारने से सख्त मना कर दिया। इतना सुनते ही आतंकियों का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। उन्होंने बंदूक की बट से रुखसाना के पिता को मारना शुरू कर दिया। रुखसाना और उसका भाई बेड के नीचे छिपकर ये सब देख रहे थे, लेकिन पिता पर हमला होते देख वो खुद को रोक नहीं पाई। पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और एक दहशतगर्द के गले पर दे मारी। जब तक कुछ समझ आता, रुखसाना ने बंदूक छीनी और फायर कर दिया। एक आतंकी को मौत के घाट उतार चुकी रुखसाना को उस मुश्किल घड़ी में कहां से हिम्मत मिली, इसके बारे में उन्होंने बाद में बताया भी और अल्लाह का शुक्रिया भी किया। लेकिन उस वक्त बस वो खतरनाक हथियारों से लैस आतंकवादियों से भिड़ चुकी थी। रुखसाना का ये रूप देख आतंकी भी डर से कांप गए और वहां से भाग निकले थे। बाद में रुखसाना और उनका परिवार पुलिस के पास पहुंचा और सारी आपबीती सुनाई। बाद में पता लगा कि मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था। और फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रुखसाना की हिम्मत की दाद दी। उन्होंने देश के नाम संदेश में भी रुखसाना की तारीफ की थी। रुखसाना की बहादुरी को कई सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। हम आपको ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबरें हैं कि श्रद्धा कपूर रुखसाना कौसर के रोल में बड़े पर्दे पर नजर आएगी। हालांकि श्रद्धा के रुखसाना कौसर का रोल करने को लेकर मेकर्स और एक्ट्रेस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। नमस्कार, मैं हूँ जागृति खंतवाल। अगर आपको भी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके लिए भी राष्ट्र प्रथम है तो ओनली भारत को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। और साथ ही इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ओनली भारत।